ऐसे क्यों बैठी हुई आप? बुलाया नहीं उन लोगों ने? तुम्हें क्या लगता है ऐसे हालात में जबकि दानियाल इतने दिनों से घर पे नहीं है मैं सलमान की शादी में शामिल होंगी? मामा मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये दानियाल चाहता क्या? बताता भी तो कुछ नहीं है, नंबर भी बंद कर रखा है उसने। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे दानियाल वापस चाहिए, उसे लेकर आओ, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, इतने सारे मेहमान घर में आए, मैं किसी ने अगर सुन लिया तो क्या सोचेंगे आपके बारे में? मैं करता हूं कुछ, वो भी तो समझ से बाहर है मेरी। उसी फातिमा की नजर लगी है मेरे घर को, जब भी मेरी जिंदगी सीधे रास्ते पे चलने लगती है उसकी हाय लग जाती है। अच्छा अब आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने कहा ना मैं बात करता हूं दानियाल से, अगर समझ गया वो तो। फिक्र नहीं करें आप। मैं ये कह रही थी कि लड़की वालों के नहीं जाना बरी लेके। हाँ जाना तो है, क्या कहती हो ताई अम्मा को साथ लेके चले? सलमान, सलमान तुम्हें क्या हो गया था? आप परेशान ना जी, मैंने इंजेक्शन लगा दिया, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएंगे। आप भी परेशान ना हो, ऐसा हो जाता है, अब आपने आराम करना है। ठीक है डॉक्टर, अगर रात में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक, थैंक यू। मम्मी आप प्लीज रोए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए सलमान आप बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो, और फिर डॉक्टर भी तो यही कह के गए। आप जरा मेरी बात सुन ले बाहर आके। नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाए। बिहारी मैं सरीना से कहती हूँ तुम्हें कुछ खाने को दे। भाभी मेरी बात सुनिए, अगर सलमान की तबीयत की जरा सी भी भिनक उसके ससुराल वालों को पड़ गई ना तो ये रिश्ता टूट जाएगा, आप ये गलती मत कीजिएगा। लेकिन सुरैया सच छुपाना भी तो एक झूठ है, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि बड़ी का सामान लेके उन लोगों का सामना मैं कैसे करूँगी। आप उसकी फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं बरी लेके चली जाती हूँ,
और रुखसाना को बोल दूंगी कि अचानक से अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई थी तो आप और सलमान उन्हें लेकर अस्पताल गए। लेकिन सुरैया ये भी तो एक झूठ है ना। अरे फातिमा भाभी, ऐसा झूठ जिससे किसी की जिंदगी सफर जाए वो झूठ नहीं होता, सच होता है। बस आप इसकी फिक्र नहीं करें। लेकिन सुरैया। अरे भाभी आप जाए, आप सलमान के पास बैठे, मैं हूं ना, मैं सामान लेकर चली जाती हूँ, बस आप जाए, चाहे फिक्र नहीं करें। पापा देखिए मेरा ड्रेस ठीक लग रहा है, मामा कह रही थी येलो कलर का पहनना था। बेटा बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह से। अरे मेरी फ्रेंड्स आ गई, मैं मिलके आती हूँ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। नवीद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी। माशाल्लाह से डेकोरेशन तो आपने बहुत अच्छी करवाई हुई है। एक ब्रामीन बेटा, नाहिदा आंटी आई हैं, इनको लेके जाओ अंदर। नाहिद इतनी देर से आई हो तुम, ये नहीं कि थोड़ी जल्दी आ जाती, कम से कम आके मेरा हाथ ही बटा देती। तुम्हें पता है ना रास्ते में कितना ट्रैफिक जैम होता है, बस आते आते देर लग गई। वो सीमा कहाँ है? आप चले मैं मिलवाती हूँ उससे। आ जाओ। नवीद फातिमा लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? हाँ टाइम हो गया। अरे बेगम उनके घर में भी तकरीबात चल रही होंगी, इसी वजह से लेट हो गए। फिर भी नवीदा पता तो करें ना। अच्छा ठीक है मैं फोन करता हूँ। ये देखिए मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चों आप लोग? जाओ सतली अंदर ले जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, नवीद बात कर रहा हूँ। हाँ जी हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग कितनी देर में आ रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ठीक है। ओके ओके। क्या हुआ नवीद, क्या कह रही है लोग? सलमान की मुमानी बरी लेकर आ रही हैं, वो लोग नहीं आ सकते। क्या सिर्फ सुरैया आ रही है? फातिमा खुद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सलमान की दादी की अचानक तबीयत खराब हो गई है, वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। बस वो रुखसाना अम्मी जान की तबीयत अचानक खराब हो गई थी इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। जी हाँ मुझे नवीद ने बताया। अब कैसी तबीयत उनकी? वो तो अभी हॉस्पिटल में है लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। फातिमा भाभी भी उन्हीं के पास हैं। अब देखें ना, बरी की रस्म तो अदा करनी थी इसलिए मैं चली आई। प्लीज़ रुखसाना इस बात का बुरा ना मनाइएगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। आइए ना अंदर चलते हैं। जी आइए। सलमान की शादी है और अगर शादी के वक्त सब लोगों के सामने उसे कुछ हो गया तो नहीं नहीं अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मेरे अल्लाह ने हर मुश्किल में मेरी मदद की है, वो जरूर मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज व अमान में रखेगा। ये सुरैया भी अभी तक वापस नहीं आई। वहां नवीद और रुखसाना पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है आज का फंक्शन भी खैरियत से हो गया। हाँ अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन पता नहीं नवीद मुझे क्यों अजीब सा डर लग रहा है। लो अभी तो तुम बरी का सामान देख के पागल हुई जा रही थी और अब कह रही हो कि तुम्हें डर लग रहा है। ओफो भाई मैं ये नहीं कह रही, मैं ये सोच रही हूँ अगर फातिमा चाहती तो निमरा के हाथ भेजती ना बरी का सामान,
उसने सुरैया के हाथ क्यों भेज दिया? पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। जाहिर सी बात है रुखसाना, उनके घर का बुजुर्ग बीमार पड़ा है, ऐसी हालत में वो कैसे आ सकती थी? खैर बच्चियां सो गई? हाँ अपने कमरे में घुसी बैठी हैं। अब ये चार दिन कहाँ सोएंगी ये लोग? तैयारियों में लगी हुई अपनी। मैं ये सोच रहा था कि कल हमें उनके घर जाना चाहिए, सलमान की दादी की तबीयत ठीक नहीं है और फिर उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा, इसी बहाने असल बात का पता भी चल जाएगा। वो वाला ड्रेस दिखाओ। कितना जबरदस्त काम हुआ है और कलर कितना प्यारा है। जबरदस्त वाकई सीमा, तुम्हारी सास की चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। सास की चॉइस थोड़ी होगी, ये तो सलमान भाई की चॉइस होगी। क्यों आप ही? मुझे क्या पता किसकी चॉइस है। अच्छा सलमान भाई ने बताया नहीं है क्या तुम्हें? मेरी बात ही नहीं हुई उनसे। ओहो देखो तो जरा उनसे क्या बात है। अच्छा आप ये कपड़े मुझे शादी के बाद पहनने के लिए तो देंगी ना? हाँ। अरे अगर सीमा की सास ने देख लिया कि ये ड्रेसेस दुल्हन के बजाय उनकी बहनों ने पहना हुआ है तो फिर? ओफर आमीन, एक तो तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ जाया करो। मैं इतनी पागल तो नहीं हूँ कि इनकी सास के सामने जाकर ये कपड़े पहनकर बैठ जाऊंगी। अच्छा भाई बस भी करो तुम दोनों, चलो जल्दी से ये सारा सामान उठाओ, रात बहुत हो गई है और वैसे भी कल बहुत सारे काम हैं। नहीं 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 सिर्फ एक मिनट, एक मिनट सर। क्या कर रही हो? जरा देखे तो हम। माशाल्लाह सीमा कितनी प्यारी लग रही हो तुम देखना जब कल तुम ये ड्रेस पहनकर दुल्हन बनोगी ना, सब लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। मायों की रस्म खैरियत से हो गई ना, मेरा ना जाना उन्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं फातिमा भाभी, उन लोगों ने तो मेरी बड़ी आवभगत की है, बस जरा रुखसाना आपका पूछ रही थी। अच्छा क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि फातिमा क्यों नहीं आई। फिर मैंने भी बहाना कर दिया कि अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कोई नहीं आ सका। अच्छा ये बताओ उन्हें बरी के जेवरात और कपड़े तो दे दिए ना? अरे हाँ हाँ फातिमा भाभी, बरी का सामान देखकर तो रुखसाना बहुत ही खुश हो गई। पहले तो मुझे अकेला देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन जब फिर उसने बरी का सामान देखा ना तो ऐसे मेरे आगे बिछी बिछी जा रही थी। और सीमा कैसी लग रही थी? बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। मैं तो कहती हूँ कि दुल्हन बनकर उस पर बड़ा ही रूप चढ़ेगा। माशाल्लाह से हमारा सलमान बहुत ही नसीबों वाला है। बस कल के दिन रह गया, खैर खैरियत से शादी हो जाए बस, मेरी तो यही दुआ है। मुझे एक डर है फातिमा भाभी, अगर शादी वाले दिन सलमान की तबीयत खराब हो गई तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। बस किसी भी तरह से रुखसाना और नवीद को सलमान की तबीयत के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा फातिमा भाभी आप भी अब सो जाएं, मैं भी अब चलती हूँ, सुबह वैसे भी जल्दी जागकर शादी की तैयारियां करनी है। ठीक है बुलाया था? हाँ ये पूछने के लिए बुलाया था कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे बाहर के लोगों के आगे बेइज्जत करते फिर रहे।
عزت اور بے عزتی کی بات اگر ہم رہنے ہی دیں تو بہتر ہوگا. خیر یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں سلمان کی شادی میں نہیں گئی تھی تو تمہیں فاطمہ سے رشتہ داری نبھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کیونکہ عدنان سے تمہاری لڑائی تھی. اس سب کچھ میں میرا کیا قصور تھا؟ تم نے اس سب میں مجھے کیوں اکیلا چھوڑا؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ اب سارے اختیارات تمہارے بچوں کے پاس ہیں. تو مجھے قصوروار کس بات پہ ٹھہرا رہی ہے؟ میں نے یا عدنان نے جو بھی کیا غصے میں کیا, لیکن تم نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کیا. زیادہ قصوروار کون ہوا مجھے؟ جواب دو مجھے. اور جہاں تک عدنان کی بات رہی, اسے میں سمجھا رہی تھی کہ وہ تم سے معافی مانگے اور تمہیں آفس میں واپس لے کر آئے, لیکن تم نے سلمان کی شادی میں جا کے مجھے میرے بچوں کے سامنے بھی بے عزت کر دی. نہیں ایسا نہیں, میں اس شادی میں صرف اس لیے گیا تھا تاکہ وہاں کی خبر رکھ سکوں. اب دیکھو اگر تمہاری طرح میں بھی اس شادی میں نہ جاتا تو سلمان کی حالت کی خبر ہمیں کون دیتا؟ ہاں عدنان کو معافی مانگنے کے لیے مجبور کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا ہے اگر غلطی کر بھی دی تو ہمیں ہی نظر انداز کرنا ہے نا. تم فکر مت کرو, میں خود ہی آفس چلا جاؤں گا. تم بس اس وقت اس بات پہ دھیان دو کہ فاطمہ کی خوشیوں کو کیسے برباد کرنا ہے. رشتہ ہے برسوں کا, یہ ہے جیو